पहली बार हमारे बॉलीवुड में हमारे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन एक दूसरे के सामने 33 साल बाद फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं। चलिए इस ढांसू ट्रेलर को देखते हैं और एंजॉय करते हैं। कैद करो, कैद करो, कैद करो, कैद करो, कैद करो। इस देश में लड़कियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन शोषण करने वालों को पूरी सुरक्षा मिलती है। उस कमीने का एनकाउंटर कर देना चाहिए। देखिए, सरकार का नाम नहीं खराब होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कीजिए। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत दोनों 33 साल बाद। क्राइम सीन पर मिले एविडेंसेस से हम ये साबित नहीं कर सकते कि ये क्रिमिनल की आइडेंटिटी है। तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते तो रिजाइन करके घर पे बैठो। एक हफ्ते में एनकाउंटर करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है सर, एक हफ्ता बहुत ज्यादा है, 3 दिनों में ही डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड It's just as bitter. जो वक्त की कीमत समझता है केवल वही कामयाब होता है। चोर को ना नकाब पहनने की कोई जरूरत नहीं, बस दिमाग ही काफी है। अपराध बीमारी की तरह होता है, उसे फैलने नहीं देना चाहिए। सर, उसके पास वकीलों की फौज है। सर, उसके नेटवर्क में 2000 से भी ज्यादा लोग हैं। इतनी पुलिस फोर्स वेपन्स पावर होने के बावजूद एक क्रिमिनल इतना बवाल मचा रहा है, मतलब पुलिस अपना काम नहीं कर रही। बात करने से कुछ नहीं होगा, उसे पकड़ते हैं। इनजस्टिस कैन ओनली बी ओवरकम विद जस्टिस, नॉट With another injustice. अन्याय होते वक्त पुलिस के चुप रहने के बजाय कानून को हाथों में लेना गलत नहीं है जज साहब। आप मुझे किसी भी पोस्ट से निकाल दीजिए, मैं वही पुलिस वाला रहूंगा। अब उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ तो गाइस, हमने इस धमाकेदार ट्रेलर को देखा जिसमें हमारे रजनीकांत और अमिताभ बच्चन दोनों का केमिस्ट्री एकदम आउटस्टैंडिंग है। और एकदम शॉकिंग की बात तो यह है कि 33 साल बाद दो दिग्गज, दो महानायक आपस में इस मूवी में है, वेंटेनियम द ट्रेलर में, जो काफ़ी ऑसम है। और ये मूवी 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। अब बेसब्री से इंतज़ार है कि आखिरकार इस मूवी में सिनेमाघरों में कितना धमाल मचाती है।